स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर दीपा डाके नीड बायोलॉजी। एंड आज के इस सेशन में हम लोग मेनली इकोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस एंड अलोंग विद क्वेश्चंस वी विल डिस्कस द करेक्ट आंसर्स। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 and select the correct options from the codes given below. Two columns you observe on your screen, and in first column there are A, B, C, D, 4 options are provided, and in B column 5 options आप देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप correct match लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए in situ conservation अपना है on-site conservation, ex situ conservation का meaning होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, लंग्स ऑफ प्लैनेट सभी आप सभी को क्लियर होगा, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम कहते हैं, एंड वन ऑन राइनोसेरोस के लिए याद रखिएगा कांजीरंगा नेशनल पार्क इज देयर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 1 इज ऑप्शन ए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विच डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इनसीटू कंजर्वेशन मेथड। इस पार्ट के लिए आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ इनसीटू कंजर्वेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जहाँ पर आप स्टडी करते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनसीटू कंजर्वेशन। चार्ट को प्रॉपरली अगर आप स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपको पूछा गया है फॉर एक्स वाई एंड जेड। 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है ए बी सी डी के फॉर्म में, एंड फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज वाई जो है वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओनली वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, कल्टीवेशन फॉरेस्ट्री एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे कम्प्लीटली अलाउ नहीं है। वेयर एज जेड इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व 3 जोन्स में डिवाइडेड होता है, एंड इन दीज जोन्स डिफरेंट एक्टिविटीज आर अलाउ। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेकेंड क्वेश्चन याद रखिएगा इज बी। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए ऑन दिस स्क्रीन आपको अपीयर हो रहा है, वेस्टर्न गार्ड्स हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज देन द ईस्टर्न गार्ड, वॉट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डज इट रिप्रेजेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 options are there, species diversity, genetic diversity, ecological diversity and none of these. यहाँ पे आप देखिएगा जो correct option है that is for the species diversity. अब 4th question आपका है, the introduction of alien species into new area are poses a threat of extinction of indigenous species due to. 4 again 4 options आपको clear है, एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इससे रिलेटेड देखिएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन एज इट इज एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल प्रिडेटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फॉर 5th क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टर ऑफ स्टेबल कम्युनिटी इज दैट, स्टेबल कम्युनिटीज के कैरेक्टर दिए, 4 प्रोवाइडेड है ऑप्शन, ऑफ दैट आपको एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स फर्स्ट अभी आपका करेक्ट है, इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी, बी एंड सी ऑल्सो करेक्ट, सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ वी कम टूवर्ड्स देखिए 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉपरली रीड किए हैं तो वो इमिडिएटली क्लियर होगा उनको कि दिस सेक्शन इज एग्जैक्टली कम्स फ्रॉम द सेक्रेट ग्रूव्स आर फाउंड इन खासी एंड जेंशिया हिल्स ऑफ, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, अरावली हिल्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक, वेस्टर्न गेट रीजन एंड द सरगुजा चांदा एंड बस्तर एरिया अगेन द 4th फिल इन द ब्लैंक, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स एनी 2। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स के ओनली 2 करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करने हैं आउट ऑफ दीज 4। 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड फॉर फर्स्ट 2, सेकेंड ऑप्शन में आपका थर्ड एंड फोर्थ के लिए है, इन दिस वे सी एंड डी ऑप्शंस आर आल्सो प्रोवाइडेड, एंड जो करेक्ट आपका आंसर रहेगा फॉर 2 ऑप्शंस दैट इज ए, ए में आपका है मेघालय
that Khasi and Jhansi Hills of Meghalaya and Aravali Hills of Rajasthan. So this type of question, sometime इस type के questions में कभी कभी students को समझने में ही time लगता है कि what actually question is asking. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे के आप read करिएगा. Take a time for such type of question. Now we come towards the question 7. The given figure represent different factors affecting population density n. If B is natality, D mortality, E immigration and I immigration, then select the incorrect option regarding these. ये डायग्राम सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा. इकोलॉजी के पॉपुलेशन की डेंसिटीज को हम स्टडी करते हैं, एट दैट टाइम स्टडी करते हैं. सो फोर ऑप्शंस अगेन आपको अपीयर हो रहे हैं. आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस स्टूडेंट्स यू रिमेंबर द करेक्ट ऑप्शन प्रोवाइडेड फॉर दिस. अगेन यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा है आपको इनकरेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है. सो फॉर द गिवन फिगर द फॉल्स स्टेटमेंट इज डी, दैट द आई इज जनरली इक्वल टू ई. नाउ वी कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन 8. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स ई टू कंजर्वेशन. फोर ऑप्शन प्रोवाइड है यहाँ पे. फर्स्ट, द डिप्लीटिंग रिसोर्सेज आर आर्ग्यूमेंटेड इन देयर नेचुरल रिसोर्स हैबिटेट्स. द एंडेंजर्ड स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल एडवर्स फैक्टर्स. दे आर कैप्ट अंडर ह्यूमन सुपरविजन एंड प्रोवाइडेड ऑल द एसेंशियल्स. एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन आप याद रखें, यहाँ पे सभी को आपको क्लियर होगा. द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज द रॉन्ग आंसर और इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्स ई टू कंजर्वेशन. यहाँ पे इनकरेक्ट और रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा मार्क करिएगा. नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बीओडी इज अ मेथड यूज फॉर. फोर ऑप्शंस प्रॉपरली रीड करिए एंड इफ यू गो थ्रू द फोर ऑप्शंस. सो ए बी सी डी में अगर आप स्टडी करते हैं तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका है ए, दैट एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर. सो बीओडी मींस आप स्टडी करते हैं इंडेक्स ऑफ पॉल्यूशन लेवल इन वाटर एंड पॉल्यूशन लेवल सीवेज वाटर में भी आप स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के टर्म्स में. नाउ वी कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन 10. विच नेशनल पार्क इज टर्म द न्यू होम ऑफ द इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस. सो ऑप्शन सभी को आपको क्लियर होगा. द ऑप्शन इज दुधवा, ए ऑप्शन इज करेक्ट. देन 11, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन इन इंडिया इज. अगेन ये देखिए क्वेश्चन 11, फोर ऑप्शंस प्रोवाइडेड है. जेनेटिक प्लेन, ट्रांस हिमालया, वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल इंडिया. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट वेस्टर्न घाट इज अ रिच जोन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. क्वेश्चन 12 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे. फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म इन कंजस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज मेनली कंसिस्ट ऑफ. यहाँ भी देखिए ओजोन परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड डाई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx के फॉर्म में लिखा है. बी सी एंड डी ऑप्शंस आर आल्सो प्रोवाइडेड. करेक्ट ऑप्शन ए है यहाँ पे. ये ऑप्शन एज इट इज आप याद रखिएगा फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक, कंपोजिशन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक. नाउ 13 क्वेश्चन पर अब हम आ रहे हैं. दिस 13 क्वेश्चन देखिए, इट शोज द टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल एज वेल एज लॉजिस्टिक. रिफर द गिवन ग्राफ एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कभी कभी स्टूडेंट्स ग्राफ देख के थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, बट आपको ग्राफ देख कर भी हाइपर नहीं होना है. यू बिलीव इन यू, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए कि जितना हमने पढ़ा है वो करेक्ट है और सब कुछ आपको बनेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि कहीं भी बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है, ये सोच के करिएगा, ठीक है. क्वेश्चन 13 में देखिएगा, करेक्ट ऑप्शंस आपको स्टडी करने हैं ए एंड बी के टर्म्स में. यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, ग्राफ ए रिप्रेजेंट लिखा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ग्राफ बी रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ग्राफ ए रिप्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल इन लैब, एंड ग्राफ डी फॉर ऑप्शन डी, ग्राफ बी इज नॉट पॉसिबल इन नेचुरल एनवायरमेंट. सो स्टूडेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 13, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. दैट द सी ऑप्शन जो आप स्टडी कर रहे हैं
ग्राफ ए, ग्राफ ए आप याद रखिए, दिस काइंड ऑफ ग्राफ वी ओनली अपीयर व्हेन द वी परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट और फॉर अ ग्रोथ मॉडल इन लेबोरेटरी कंडीशन, बिकॉज देयर इज नो अनलिमिटेड रिसोर्सेज. अदरवाइज इन नेचर रिसोर्सेज एक लिमिट के बाद आपका क्या डेवलप कर रहे हैं, एनवायरमेंट डेवलप द केयरिंग कैपेसिटी. सो ऑल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आप याद रखिएगा. अब यहाँ पर आप देखिए 14 क्वेश्चन पर हमारे हैं. द 14th क्वेश्चन क्वेश्चन इज अगेन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द डिफरेंट जोनेशन इन डीप लेक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इट. इनकरेक्ट और करेक्ट टाइप के क्वेश्चन अगर है सो इमीजिएटली इनकरेक्ट के लिए आप क्वेश्चन में क्रॉस कर लीजिए मार्क. एंड फॉर करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन अगर पूछा है सो इमीजिएटली यू पुट द टिक सो यू फाइंड आउट टेन. इन दैट कंडीशन ओनली आप करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, जोनेशन दिख रहा है लेक का और वाटर बॉडी का. अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है. वाई रिप्रेजेंट लाइट एंड ऑक्सीजन लेवल. बी ऑप्शन है ओनली कंज्यूमर्स आर फाउंड इन ई. सी इज द प्रोड्यूसर्स डू नॉट अकर इन ए. एंड देन आपका डी ऑप्शन है, डी रिसीव्स द लाइट एट और बिलो कंपनसेशन पॉइंट. सो फॉर 14 क्वेश्चन स्टूडेंट्स यू रिमेम्बर ये आपका दिया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट प्रोड्यूसर्स डू नॉट अकर इन ए लिखा है, बट ए आपका सरफेस वाटर है एंड ओवर सरफेस वाटर ऑल्सो वी अपीयर द प्रोड्यूसर्स. नाउ वी कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन 15. विच ऑफ दीज इंटरेक्शन हैज नेगेटिव इफेक्ट. सभी को ये क्वेश्चन बन जाएगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 4 इंटरेक्शन आर प्रोवाइडेड, प्रिडेशन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसेलिज्म एंड पैरासिटिज्म. सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1 in 2. बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द क्वेश्चन. आप यहाँ पे देखिए प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म, दैट ऑप्शन 1 and option 4 is showing the negative effects. Now we come towards the question 16. The zone of atmosphere in which the ozone layer is present is called. ये question last year's के questions exams में भी आपको मिलेगा. So correct option 16 number के question के लिए याद रखिएगा. C is the correct option, that is ozone predominantly atmosphere में present है आपका stratosphere में. Then question number 17 देखिए. The Air Prevention and Control of Pollution Act came into force in. यहाँ पे 4 आपको different years provided है. इस such type of questions में आपको tip of tongue पे याद करिएगा ये answers इस type के. And in that condition no need to go towards the other option. आपको अगर tip of tongue पे है याद तो आप इमेज चेक दे सकते हैं कि 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स में आया है. और सेकेंड टाइम अमेंडमेंट्स जो हुए हैं इसमें, सम अमेंडमेंट्स आर मेड इन दिस एक्ट, दोज अमेंडमेंट्स आर मेड इन 1981 में. आप याद रखिए इट कम्स इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स एंड इन 1985 सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अमेंडेड. देन क्वेश्चन नंबर 18 आप देख रहे हैं. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया ड्यूरिंग. ये भी आपका याद करने वाला क्वेश्चन है और इसके लिए भी याद रखिए क्वेश्चन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो 1980s में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है. देन क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. अलेक्जेंडर ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी. द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम. क्या डिस्क्राइब किया था हम्बोल्ट ने यहाँ पे देखिएगा. फॉर 19 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन के लिए. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमिन्स ने दिया है. बी आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, सी पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन एंड डी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो फॉर 19 आप याद रखिएगा वॉन हम्बोल्ट प्रोवाइड डिस्क्राइब फर्स्ट टाइम द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज पायोनियर ऑर्गेनिजम्स ऑन बेयर रॉक. ये क्वेश्चन सक्सेशन के पार्ट से है एंड सक्सेशन
ऑन पेयर रॉक अगर बिगन स्टार्ट होता है सो दैट ऑलवेज बी स्टार्ट विथ लाइकेन्स क्रस्टोज लाइकेन आप स्टडी करते हैं लाइकेन्स विच आर ग्रोइंग ऑन बेयर रॉक कॉमनली कॉल्ड क्रस्टोज लाइकेन सो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 डायरेक्ट आपका आंसर आपके पास है लाइकेन लिवरवर्ट मॉसेज एंड ग्रीन एल्गी आर नॉट ऑप्शंस फॉर द पायोनियर स्पीसीज जो होगा आपका और पायोनियर कम्युनिटी आप स्टडी करते हैं सो दैट इज द लाइकेन क्वेश्चन नंबर 21 देखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय सो द करेक्ट ऑप्शन या फिर आप सभी को क्लियर होगा ये फोर ऑप्शंस प्रोवाइडेड है आउट ऑफ दैट करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे स्टडी करते हैं हम कंज्यूमर्स के लेवल पे सो इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स नाउ वी कम टूवर्ड्स द 22nd प्रॉपरली ये प्रिपेयर करिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये फॉर अपकमिंग नीट एग्जाम सो क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे अब आपको अपीयर है इंडेक्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ इज डिटरमाइंड बाय द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन 22 में फिर फोर ऑप्शन है कम्युनिटीज नेश इंडिविजुअल पॉपुलेशन फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज निश निश बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग वॉट इज निश एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका आ रहा है निश क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अ सेडेंटरी सी एनीमोन गेट्स अटैच टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब्स द एसोसिएशन इज फोर ऑप्शंस आपके पास है इन फोर ऑप्शंस में आप देखिए ए सिम्बायोसिस बी कमेंसलिज्म सी अमिनसेलिज्म डी एक्टोपैरासिटिज्म तो ये भी आप सभी को क्लियर होगा बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन दैट इज अ कमेंसलिज्म 24 क्वेश्चन देखिए ये सभी स्टूडेंट्स को होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन बाय फोर ऑप्शन है ई पी ओडम ए जी टेंसले ई हैकल एंड ई वॉर्मिंग करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है दैट इज द ए जी टेंसले एंड 25th मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट फोर ऑप्शंस यहाँ पर आप अपीयर कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम सभी को क्लियर है रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और ओजोन के लेवल को डिक्रीज करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मेन एम है सो फॉर 25th क्वेश्चन डी ऑप्शन आप याद रखिएगा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चंस आज के सेशन मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ एंड स्टूडेंट्स हु आर फर्स्ट टाइम जॉइन दिस सेशन उनको मैं फिर कहूँगी कि सब्सक्राइब माय चैनल लाइक माय वीडियोस एंड स्टे कनेक्टेड विद चैनल फॉर द न्यू अपडेट्स एंड मोर क्वेश्चंस फॉर द न्यू टॉपिक्स बाय दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड